नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के एसडीएम ऑफिस में एक अजीब मामला सामने आया। फतेहाबाद का एक व्यक्ति एसडीएम ऑफिस में आज धरने पर बैठ गया। ससुराल वालों पर 1.5 लाख रुपए लेकर के बेटा कब्जा करने और गिरवी करने का आरोप लगाया। उसने बताया कि 1.5 लाख रुपए में खुद इस व्यक्ति ने नहीं लिए बल्कि ससुराल वालों ने अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए खर्च किए थे। पुलिस कार्रवाई के तहत ससुराल वालों ने बेटा हासिल नहीं होने के बाद पीड़ित फतेहाबाद के शक्ति नगर निवासी सूरज ने शिकायत एसडीएम ऑफिस को दी थी। एसडीएम की ओर से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर वह आज एसडीएम ऑफिस के दरवाजे पर बैठ गया। उसकी पत्नी की डिलीवरी राजस्थान में उसके घर गंगानगर में हुई थी। ससुराल वालों ने डिलीवरी पर लगभग 1.5 लाख रुपये खर्च किया था। अब ससुराल वाले डिलीवरी के बाद बेटा देने से मना कर रहे हैं और डिलीवरी पर 1.5 लाख रुपये खर्च की बात कह रहे हैं। उसने बताया कि रुपए की एवज में इस तरह से गलत तरीके के से उसके बेटे को कब्जे में लिए बैठे ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत पुलिस को भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद उसने शिकायत एसडीएम को भी दी, लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई के लिए 10,000 रुपये की मांग की थी, जो कि हम नहीं दे सकते। इस पूरे मामले में फतेहाबाद एसडीएम सुरजीत सिंह नैन ने कहा कि हमारे सामने ये मामला पहले आया था। उस समय हमने इस लड़के को उसकी पत्नी को ले जाने के लिए रिश्तेदारों के साथ जाकर के बच्चा लाने को कहा था, लेकिन बच्चा इसको नहीं दिया गया। जिस हिसाब से मुझे अब रिपोर्ट मिल रही है, उसमें सामने आया कि शादी से पहले शिकायतकर्ता और उसकी पत्नी नाबालिग थे, जिसके चलते हम कानूनी कार्रवाई के हिसाब से बच्चा दिलाने में असमर्थ हैं, क्योंकि उसमें कानूनी दिक्कतें आ रही है। मैंने भी अब पुलिस से रिपोर्ट मांगी है और पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगामी कार्रवाई करेगी, जिसमें बच्चा दिलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा जी, मेरी सास और ससुर ने रख रखा है। मम्मी सास और जो ससुराल वाले हैं वो बच्चा दे नहीं रहे मेरे। हम लेने के लिए गए थे, एसडीएम साहब ने कहा था कि तुम वहाँ लेने जाओ, तो वहाँ पर भी जाके आ गए, पर वहाँ पर भी हमारे को बच्चा नहीं मिला, बल्कि हमारे पे एप्लीकेशन दे दीजिए। उन्होंने मारपीट वगैरह भी की है मेरी घरवाली के साथ। उन्होंने दोबारा यहाँ आया तो ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, आप आके देखो, आप मामले दर्ज करो, बस यही कह रहे हैं। किसने रखा हुआ ये बच्चा आपका? मेरी सास ने रख रखा है जी, और साथ में मेरी मामी सास है जिसका नाम किरण है। तो किस लिए रखा गया, क्या पूरा मामला है? वो 1.5 लाख रुपए मांगते हैं, या तो मैं अपने माता पिता को छोड़ के वहाँ चला जाऊँ गंगानगर रहने के लिए, बच्चा 1.5 लाख रुपए दूंगी तो मेरा बच्चा रहेगा। तो आपकी वाइफ भी आपके साथ ही है? जी वो मेरे साथ ही है। तो बच्चे को कौन कौन है बच्चे में शामिल? बच्चा रखने में सर, बच्चा रखने के लिए मेरे मामा सास है, मामी सास है, तो मेरी सास, मेरे ससुर। कहाँ का पूरा मामला है ये? गंगानगर का है जी। आप कहाँ से हो? यही शक्ति नगर फतेहाबाद। तो कौन कौन है बच्चों में? बच्चों में बस सिंगल ही बच्चा है जी, एक। अच्छा, लड़का है? एक ही लड़का है मेरे पास। तो आपने शिकायत भी पुलिस को उस मामले में वहाँ? हर जगह FIR दर्ज भी करा रखी है, एप्लीकेशन भी दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी। कोई कह रहा गाड़ी लेके जाओ, कोई कह रहा पैसे लेके आओ। वहाँ पे गंगानगर गए तो वहाँ पे पुलिस वाले भी पैसे मांगते हैं, 10,000 रुपये लेके आओ तो बच्चा दिलाएंगे। तो आप यहाँ धरने पे किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं जी, हमारी सुनवाई नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ के पास ही आए थे, स्टार्टिंग में आए थे, उन्होंने कहा वकील करो, वकील करने के बाद यहाँ आना, हम साइन कर देंगे। हमने वकील किया तो अभी ये साइन भी नहीं कर रहे थे। तो कौन कौन साइन नहीं कर रहा? एसडीएम साहब सर। अच्छा, तो आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई तो यही है सर, हमारा बच्चा आज शाम तक हमारे तक नहीं पहुँचा तो माता पिता अपने आप को फांसी लगा लेंगे सर। क्या नाम है आपका? सूरज नाम है। ये अपसेट हुआ वाला लड़का है, इनकी शादी जो मैं इनसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूँ, अपने शादी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स ला के दो मेरे को, जबकि शादी के टाइम में ये लड़की नाबालिग थी। नंबर एक तो बात ये है। नंबर दो, जैसे ये बता रहे हैं कि हमारी इसकी डिलीवरी लड़की की अपने माँ बाप के घर हुई थी, उस दौरान वो बच्चा मेरे ख्याल में कुछ जैसे 7 मासिया बोलते हैं, 8 मासिया ऐसे कुछ दिन हुआ है उसका। तो उनके माँ बाप ने हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट करवाया, इलाज करवाया, और जब पैसे की बात आई, जैसे उनके माँ बाप की तरफ से रिपोर्ट मेरे पास आई है भी हमारे पैसे दे जाओ, अरे हम हमारे अद्वैता है तो हमारी बच्ची को इसको लड़की को दे दें। जो इलाज करवाया था उसके पैसे? हाँ, इलाज का पैसे, अरे ये पैसे देने नहीं रहते उस टाइम। जैसे वो बता रहे हैं मेरे को भी ये लड़का छोड़ के भाग गया था हमारे पास, भी मेरे पास कुछ नहीं है, इलाज तुम ही करवाओ, तुम ही रखो बच्चे। 1.5 लाख तक की बात की जा रही, 1.5 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं, ये मेरे नोटिस में नहीं है। रेड है कितना, मैंने पर्सनली एक इंसानियत के नाते पहले भी आए थे मेरे पास, ये मैंने फ़ोन पर उनसे संपर्क करके इसके माँ बाप से उनको किया था, ये बच्चा दो इनको, और स्पेशल ये फिर मेरे को कहने लगे हम अकेले नहीं जाएंगे, पीटते हमारे को, तो मैंने इनको कहा अपने किसी रिश्तेदार को ले जाना साथ। ये वहाँ जाके आए, इनकी क्या बात हुई है वो मेरे को बता नहीं रहे ये लोग। ये ज़बरदस्ती 197 कार्रवाई करवाना चाहते हैं, जो कि गलत है।
197 की बनती है जो बालिक बच्चे होते हैं, अगर किसी ने उनको रोक रखे है कहीं। तो क्या 197 की कार्रवाई क्या है? 198 की कार्रवाई ये सिविल कोर्ट में जाए, वहाँ से करवाए अपने। फिर भी मैं पुलिस से रिपोर्ट मंगवा रहा हूँ, इस पर क्या पुलिस की रिपोर्ट आती है उसके बाद में नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो करें। फिलहाल क्या आश्वासन दिया आपने इनको? मैंने पुलिस से रिपोर्ट मंगवाने के अभी इनकी फाइल मेरे पास आ गई, अब पुलिस से रिपोर्ट मंगवा दें, पुलिस वाले क्या लिख के भेजते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई। ठीक है।